अच्छा तो यहाँ छिपा बैठा है मेरा लल्ला। यशोदा, परंतु मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा लल्ला इतनी भोर में गौशाला में क्या कर रहा है। बाबा, आज मेरा जन्मदिन है ना, तो बस इन गईयों से अपने जन्मदिन का उपहार लेने आ गया था। उपहार? कैसा उपहार? मैंने इनसे कल कहा था कि माखन निकालने में मैया को बड़ा कष्ट होता है, तो मेरे जन्मदिन पर दूध के स्थान पर माखन भेंट कर दे। कान्हा, तुम भी बड़ी अजीब बातें करते हो, गायों से माखन मांगते हो। मैया, बाबा आप मुझे शिक्षा के लिए संदीपानी ऋषि के आश्रम भेजने वाले हैं ना, इसीलिए सोचा यहाँ से जाने से पूर्व मैं अधिक से अधिक समय अपनी इन गायों के साथ व्यतीत करूं। कान्हा, मेरा लल्ला, जो तू कहेगा वैसा ही होगा। मेरे गौशाले में 2000 गायें हैं। इनकी देखरेख और उनके खान पान का उत्तरदायित्व तो अब से तुम्हारा है। और हाँ, जब तक तुम आश्रम नहीं जाते हो तब तक गायों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करोगे और उनकी देखरेख करोगे। आर्य, आप ये क्या कर रहे? अरे, हमारा छोटा सा लल्ला इतनी सारी गायों की रक्षा कैसे करेगा? अरे नहीं मैया, मैं इन्हें नहीं संभालूंगा, ये सब स्वयं मुझे संभाल लेंगी, है ना गैया? अरे वाह काना, तुम तो गोकुल के सबसे बड़े ग्वाल बन गए। नंद बाबा, वृषमान जी घर के समेत पहुंच चुके हैं। मेरे मित्र आ गए। कान्हा, तुम गायों की देखरेख करो, मैं वृषमान के पास होकर आता हूँ। चिंता ना करो बाबा। अरे आरे, अब भूल गए कि पंडित जी ने क्या कहा था? यशोदा, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा गोकुल परिसर में ही रहेगा और उसके साथ ईश्वर की असीम कृपा है, उसको कुछ नहीं होगा। आइए,